नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। कभी आपने सोचा है कि आखिर धरती पर 70% पानी कहां से आया? पृथ्वी पर बने इतने सागर और पानी के स्रोतों के पीछे की रहस्यमयी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका जवाब हमारे और सौर मंडल के तारे यानी कि सूरज के पास है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में पता लगाया है कि कैसे सूरज की हवा धरती पर पानी पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इस स्टडी की बदौलत अंतरिक्ष में जीवन की खोज और आसान हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में कुछ उल्कापिंडों और एस्टेरॉयड के टुकड़ों का अध्ययन किया है, जिससे पता चला है कि धरती पर पानी कैसे आया। इस स्टडी में पता चला है कि उल्कापिंड हैरतअंगेज तौर से पानी से भरे हुए थे। ये बात है हमारी धरती के बनने के शुरुआती दिनों की, यानी कि 4.6 बिलियन साल पहले की। पानी लेकर उल्कापिंड और एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराए, जिसकी वजह से हमारी धरती पर पानी टिक गया। धरती के बदलते मौसम से पानी की मात्रा को बढ़ने में मदद मिली। धरती पर पानी लाने की सबसे बड़ी वजह उल्कापिंड और एस्टेरॉयड है, और इसके बाद पानी बनाया सूरज की हवाओं ने। वैज्ञानिकों ने बताया है कि उल्कापिंडों पर पानी की जो रासायनिक संरचना थी वो धरती के पानी से मिलती नहीं थी। उल्कापिंडों से आए पानी में यूरेनियम ज्यादा था। यह हाइड्रोजन का भारी रूप होता है। इसका मतलब यह है कि सौर मंडल में आज भी इस तत्व से भरे हुए उल्कापिंडों पर पानी की मौजूदगी जरूर होगी, लेकिन रूप थोड़ा अलग होगा। इंग्लैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के साइंटिस्ट ल्यूक डेली और इसकी टीम ने यह खुलासा किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।